जय जिनेन्द्र फ्रेंड्स, वेलकम टू PSG's क्रिएशंस। आज हम वॉल डेकोरेशन देखेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम ये माला बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए येलो कलर का क्रेप रोल, धागा, सुई में मैंने बड़ा सारा धागा पिरो दिया है, और इस तरह के डेकोरेटिव बॉल्स। अगर आपके पास इस तरह के बॉल्स नहीं है तो आप मोती या कोई भी कलर के मनी ले सकते हो। ये हमें इसलिए डालना है ताकि ये जो हम पेपर उसमें पिरोएंगे तो उसमें से धागा ना निकल कर आए, इसलिए। तो चलिए अब देखते हैं कि हमें इसमें ये पेपर कैसे पिरोना है। सबसे पहले मैं ये मनी डाल के आपको बताऊंगी। मनी डालने के बाद इसको नीचे से बड़ी सारी गठान लगानी है ताकि मनी उसमें से निकले ना। चलिए तो अब देखते हैं धागे में पेपर कैसे पिरोना है। अब यहाँ मैंने पेपर के सेंटर में से धागा पिरो दिया था और फिर उस धागे को खींच लिया है। इस पेपर में बिल्कुल भी गैप नहीं है। अब हम इसे ट्विस्ट करेंगे धीरे धीरे, हल्के हाथों से ट्विस्ट करना है ताकि क्रश ना हो और हमारे फ्लावर अच्छे बने। बस इसी तरह हमें सारे रोल की माला बना लेनी है। यहाँ मैंने इस तरह से माला बनाई है और मैंने इसमें नीचे डेकोरेटिव बॉल डाला है। बस इसी तरह आप भी माला बनाइए और अपने वॉल पे डेकोरेट कीजिए। अब हम बनाएंगे कुछ इस तरह के फ्लावर्स। ये फ्लावर्स मैंने ईयरबड से बनाए हैं, तो चलिए देखना है और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए कलर, ब्रश, ईयरबड्स, कलर पेपर, कार्डबोर्ड, ग्लिटर और फोम फ्लावर और फेविकॉल। हाँ, मैंने ईयरबड्स को कट किया है और इसकी जो ये डंडी है वो हमें फेंकनी नहीं है, वो भी हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इन ईयरबड्स को कलर कर लेंगे। आप कट करने से पहले भी कलर कर सकते हो और बाद में कट कर सकते हो, या तो ऐसे भी कर सकते हो। इसे कलर करके मैंने हल्का सा ग्लिटर में डिप किया है। ऐसे ही हम सारे बर्ड्स को कलर करके
स्टिक कर लेंगे तो हमारा ये वाला फ्लावर बन जाएगा। ऐसे हमें 8 फ्लावर्स बनाने हैं। आप अलग अलग कलर के भी बना सकते हो या सेम कलर के भी बना सकते हो। अब हम इस तरह से तिलक बना लेंगे। इसके लिए हमें चाहिए कार्डबोर्ड, कलर, ईयरबड स्टिक्स जो हमने साइड में रखी थी वो, माला, ब्रश, ग्लिटर, मोती, फेविकॉल, चमकीला पेपर या तो कोई भी ग्लिटर पेपर। तो अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस बर्ड स्टिक को कलर करने के बाद हम हल्का सा ग्लिटर उसे लगा लेंगे। फ्रेंड्स, ज़्यादा ग्लिटर उसे नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा ग्लिटर ही लगाना है। फ्रेंड्स, ये मल्टीपर्पज़ डेकोरेशन है। एक बार आप ये सब चीज़ें बना लोगे तो आपको हर बार अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। गणपति हो या रक्षाबंधन, दिवाली हो या दशहरा, आप इसे यूज़ कर सकते हो अलग अलग तरीके से। वैसे मैंने वीडियो के आखिरी में बताया है कि आप किस तरह से इसे अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हो। हम सेंटर में रखने के लिए कुछ बना लेंगे। उसके लिए हमें चाहिए कार्डबोर्ड, ग्लिटर पेपर, गोल्डन कलर, गोल्डन माला और एक फ्लावर। इसे कुछ इस तरह अरेंज कर लेंगे। और फ्रेंड्स, आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे अगली वीडियो आपको देखने मिले। Thank you friends, please do like, share and subscribe. Bye.